हेलो फ्रेंड्स, सीकेटी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज मैं आपके सामने दो लार्ज कैप कैटेगरी से रिलेटेड म्यूचुअल फंड की बात करूंगा, जहां इन्वेस्टर्स का बहुत ज़्यादा ध्यान और बहुत ज़्यादा पैसा भी लगा हुआ है। तो दो लार्ज कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स कौन से हैं, इसकी तो बात कर लूँगा, पर इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि लार्ज कैप कैटेगरी में सबसे अच्छा रिटर्न जिस म्यूचुअल फंड ने अपने इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड करके दिया है, उनके नाम है मेरे भाई, क्या क्या नाम है, SBI ब्लू चिप म्यूचुअल फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, दूसरा है निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, तीसरा है मेरा एसेट लार्ज कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, एक फंड और है हालांकि असेट मैनेजमेंट कंपनी, तो पिछले 3-4 साल से बहुत अच्छा रिटर्न इन्वेस्टर्स को हर कैटेगरी में बना के दे रहे हैं, पर डेफिनेटली लार्ज कैप कैटेगरी में जिस म्यूचुअल फंड का नाम लेने वाला हूँ ये थोड़ा सा बैकफुट पे रहे हैं और उसका नाम है क्वांट लार्ज कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। पर फिर भी क्योंकि क्वांट असेट मैनेजमेंट कंपनी हर कैटेगरी में अच्छा रिटर्न दे रही, तो ऐसा लगता है कि क्वांट लार्ज कैप फंड भी अच्छा रिटर्न दे सकता है। पर फिर भी आज हमारी चर्चा दूसरे म्यूचुअल फंड से रिलेटेड रहने वाली है। तो पहला जिस म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूँ इसका नाम है SBI ब्लू चिप म्यूचुअल फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। देखिए 76 रुपीज़ का इसका नेट एसेट वैल्यू चल रहा है, एक साल में देखिए 15.55% का CAGR है, 3 साल में देखिए 22% का CAGR है, 5 साल में देखिए 16.24% का CAGR है, मैक्सिमम देखिए 15.25% का CAGR है। और देखिए म्यूचुअल फंड में अगर आप लार्ज कैप कैटेगरी के अंदर हो तो गिरता ये भी है, बस एक कंसिस्टेंसी के साथ रिटर्न आपको देखने को मिलता है, पर जब गिरावट देखने को मिलती है वो इतनी तेज़ी से गिरावट देखने को नहीं मिलती है जितनी तेज़ी से गिरावट आपकी स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स या मिड कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स के अंदर देखने को मिलती है। पर गिरता ये भी है, कैसे गिरता है ये देखिए, 16 का NAV था, फिर देखिए 15 तक पहुंच गया, इसके बाद 29 का NAV था, 26 तक आ गया, फिर देखिए 33 का NAV, 30 तक आ गया, फिर देखिए यहाँ से 39 का NAV, 38 तक आ गया, फिर देखिए इसके बाद 39 का NAV, वापस से 37 तक आ गया। तो ये म्यूचुअल फंड के अंदर फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिलेगी, चाहे आपके पास लार्ज कैप म्यूचुअल फंड हो, चाहे स्मॉल कैप हो, चाहे मिड कैप हो, चाहे फ्लेक्सी कैप हो। आप आज की डेट पे आपके अंदर एक डाउट बिल्कुल ख़त्म हो गया होगा, कौन सा डाउट, कि अगर आपके पास लार्ज कैप म्यूचुअल फंड है तो उसमें लॉस नहीं होता है। ऐसा नहीं है, आपके पास चाहे लार्ज कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड हो, चाहे स्मॉल कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड हो, अगर शेयर मार्केट गिरेगा तो हर म्यूचुअल फंड नीचे गिरेगा, बस गिरने का तरीका है, कोई 10 पॉइंट नीचे गिरेगा तो कोई 13 पॉइंट नीचे गिरेगा, बस इस तरीके से, बट गिरता सब है। वैल्यू रिसर्च ने इस म्यूचुअल फंड को 4 out of 5 रेट किया हुआ है। इसके साथ साथ अगर हम फंड मैनेजर की बात करने की चेष्टा करेंगे तो सोहनी अंदानी मैडम जो है बढ़िया अच्छे से इस फंड को इन्होंने मैनेज करके रखा हुआ है। एब्सोल्यूट रिटर्न की बात करेंगे तो 3 महीने में इस म्यूचुअल फंड से कुछ भी रिटर्न नहीं आया, ऑलमोस्ट निगेटिव ही है, वो भी 0.84% का। तो देखिए अगर किसी को ऐसा लगता है कि लार्ज कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स गिरते नहीं, जबकि ऐसा नहीं है, निगेटिव और आपको रिटर्न यहाँ पर रेड के फॉर्म में आपको जरूर यहाँ से भी देखने को मिल जाएगा। तो अब आपको एक चीज़ पता चल गई होगी, चाहे मिड कैप हो, चाहे स्मॉल कैप हो, चाहे लार्ज कैप हो, चाहे फ्लेक्सी कैप हो, चाहे स्मॉल कैप हो, चाहे मिड कैप हो, गिरता सब कुछ है, ठीक है। 6 महीने में देखिए 12.90% का एब्सोल्यूट है, 1 साल में 15.55% का एब्सोल्यूट है, 3 साल में देखिए 81.59% का एब्सोल्यूट है, 5 साल में देखिए 1 लाख रुपये को 1,12,000 रुपये बना दिया, 10 साल में देखिए 1 लाख रुपये को 3,51,000 रुपये बना दिया। तो डेफिनेटली इस तरीके के म्यूचुअल फंड्स में केवल उन्हीं बंदों को इन्वेस्ट करना चाहिए जो एटलीस्ट शेयर मार्केट में या तो नए हैं, या ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, या जो एक कंसिस्टेंसी के साथ रिटर्न चाहते हैं, एग्जांपल के तौर पे जिनका एज 50 साल से ऊपर है, अदरवाइज जिनका एज 18 साल से ऊपर है या 30 साल की एज के आसपास वो घूम रहे हैं जो भी इन्वेस्टर्स, तो उनको एटलीस्ट अपने पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप भी शामिल करना चाहिए। रिस्क म्यूचुअल फंड के अंदर आपका वेरिया ही रहता है, तो इस चीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए। और SBI ब्लू चिप म्यूचुअल फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ से रिलेटेड मैं बात करके चल रहा हूँ आपके सामने। 39,650 करोड़ का इनका असेट साइज है, 0.87% का ये आपसे एक्सपेंस रेशियो चार्ज करके चल रहे हैं, 4.99% का ये कैश होल्ड करके चल रहे हैं। S&P BSE 100 टोटल रिटर्न इंडेक्स को इन्होंने बेंचमार्क के तौर पे ले रखा है। प्लान हमेशा कोशिश करें कि ग्रोथ प्लान हो आपके पास, और रेगुलर प्लान की जगह आपके पास डायरेक्ट प्लान हो। 1 साल के अंदर निकलने की चेष्टा करेंगे तो 1% का आपसे एग्जिट लोड ले लिया जाएगा। देखिए किन किन सेक्टर्स में आपका पैसा लगा हुआ है, फाइनेंशियल में 27.77% पैसा इन्होंने फाइनेंशियल में सबसे ज़्यादा टारगेट किया है। और डेफिनेटली जैसे ही फाइनेंशियल का नाम आए तो आप ये मान के चलना, मैं तो श्याम की दीवानी हूँ, आप ये मान के चलना कि इनके पास HDFC बैंक जरूर होगा। ऑटोमोबाइल, कंज्यूमर स्टेपल्स, कंस्ट्रक्शन, हेल्थ केयर, टेक्नोलॉजी, कैपिटल गुड्स और एनर्जी, इंश्योरेंस, मटेरियल, टेक्सटाइल, कम्युनिकेशन, मेटल्स एंड माइनिंग सर्विसेज और केमिकल, ये कुछ सेक्टर्स हैं जहाँ पर आपका पैसा पड़ा हुआ है। बात करेंगे देखिए टॉप पर HDFC बैंक, ICICI बैंक, L&T, ITC लिमिटेड, इन्फोसिस, बजाज फाइनेंस, रिलायंस इंडस्ट्रीज, पेज इंडस्ट्रीज, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज, दिवीज लेबोरेटरी, चोला मंडोलम, आयसर मोटर, ये वही है आयसर ट्रैक्टर जिसका आता था,
फिलहाल इनका बाइक में बड़ा अच्छा नाम है। आयसर मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, हिंदुस्तान यूनिलीवर, भारतीय एयरटेल, सन फार्मास्यूटिकल, श्री सीमेंट, मारुति सुजुकी, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज, कोटक महिंद्रा बैंक, HDFC लाइफ इंश्योरेंस, सोना बियरडोलो, प्रेसिजन फॉर्जिंग्स, ये सारे शेयर्स हैं जहाँ पर आपका पैसा रहता है। थर्मेक्स लिमिटेड, अल्ट्राटेक सीमेंट, कमिंस इंडिया, DLF लिमिटेड, एक्सिस बैंक, ICICI प्रोडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, बजाज ऑटो, सिप्ला लिमिटेड, शॉफलर इंडिया, संवर्धन मदरसम इंटरनेशनल, ICICI लोम्बा, ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया, TVS मोटर, SKF इंडिया, एवेन्यू सुपरमार्ट, हीरो मोटो कॉप, मदरसम सोमी वायरिंग, गोदरेज प्रॉपर्टीज, मैनकाइंड फार्मा, इसके साथ साथ PI इंडस्ट्रीज, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, मैक्स हेल्थ केयर, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, LIC का शेयर भी है तो उसके अंदर पैसा इनका है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, जोमाटो लिमिटेड जैसे कुछ शेयर्स हैं जहां पर इनका पैसा पड़ा हुआ है। असेट मैनेजमेंट कंपनी के बारे में बात करेंगे तो देखिए 8,19,794 करोड़ का इनका असेट अंडर मैनेजमेंट है और धीरे 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 इनका असेट अंडर मैनेजमेंट 10 लाख करोड़ के आसपास जा रहा है। 141 स्कीम को ये मैनेज करके चल रहे हैं। चलिए नेक्स्ट म्यूचुअल फंड का रिव्यू करते हैं। तो ये जो नेक्स्ट म्यूचुअल फंड मैंने आपके सामने रखा हुआ है, इसका नेट एसेट वैल्यू देखो 469 का है। एक साल में रिटर्न देखिए 14.40%, तीन साल में 28.06%, 5 साल में देखिए 16.63% का, मैक्सिमम देखिए 14.36% का। और जैसा कि मैंने आपसे कहा, अगर आप म्यूचुअल फंड की दुनिया में हैं तो डेफिनेटली चाहे आपके पास लार्ज कैप हो चाहे स्मॉल कैप हो, रिटर्न आपको जरूर फ्लक्चुएशन के साथ देखने को मिलेगा। 168 का NAV था, 165 तक गिर गया, इसके बाद 194 का NAV 179 तक आ गया। तो आप ये मत समझिएगा कि अगर आपके पास लार्ज कैप म्यूचुअल फंड है तो वो नीचे नहीं गिरेगा, नीचे जरूर गिरेगा। हो सकता है आपने 10,000 रुपये लगाए हों, 8,000 ही बचे, पर हाँ हो सकता है लार्ज कैप जब गिरना स्टार्ट हो तो 10,000 का आपका 8,000 ही बचे, पर वहीं अगर स्मॉल कैप लगाए हो तो पता लगा 10,000 का केवल 3,000 बचा है। तो इसी कैटेगरी में जब बुल मार्केट स्टार्ट होता है तो हो सकता है 10,000 आपका जब बुल मार्केट स्टार्ट है और लार्ज कैप में अगर आपका पैसा पड़ा हुआ है तो पॉसिबल ये है कि 10,000 में पॉसिबल है कि आपका 12,000 रुपये बने। पर जी हाँ, जब स्मॉल कैप बुल रन में होगा तब हो सकता है 10,000 आपका 17,000 रुपये बन जाए। ये कैपेबिलिटी है स्मॉल कैप और लार्ज कैप की। बस इन्हीं दोनों के बीच का डिफरेंस है जो आपको रिस्क लेने के लिए प्रेरित करता है। वैल्यू रिसर्च ने इस म्यूचुअल फंड को 5 out of 5 रेट किया हुआ है। देखिए 5 out of 5 रेट क्यों किया है, अगर आपने मेरे एक्सिस ब्लू चिप फंड का रिव्यू देखा होगा तो एक चीज़ आप पा रहे होंगे कि उसमें एक साल में 7% आया, मैक्सिमम 14% आया। पर इस फंड में देखिए एक 14% का एक कंसिस्टेंसी है, चाहे एक साल में हो, चाहे तीन साल में हो, चाहे पाँच साल में हो, चाहे मैक्सिमम हो, 14% का एक कंसिस्टेंसी है। तो जब एक म्यूचुअल फंड कंसिस्टेंसी के साथ रिटर्न प्रोवाइड करता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम तो डेफिनेटली फंड मैनेजर को भी वो पसंद आता है और क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज को भी वो म्यूचुअल फंड पसंद आता है। हर्ष उपाध्याय साहब आपके पैसे को मैनेज करके चल रहे हैं। एब्सोल्यूट रिटर्न की अगर मैं बात करने की चेष्टा करूंगा तो देखिए 3 महीने में इसने भी कुछ रिटर्न इन्वेस्टर्स को बना के नहीं दिया है। तो आप ये मान के चलना अगर आप लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स के अंदर हो या इस म्यूचुअल फंड के अंदर हो तो डेफिनेटली आप ये प्रॉपरली तरीके से मान के चलना कि पॉसिबिलिटी ये है कि अगर आपने एक बार पैसा डाला तो हो सकता है 3-4 महीने आप निगेटिव में रहो, पर उसके साथ जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा आपको पॉजिटिव होते हुए रिटर्न देखने को मिलेगा। 6 महीने में देखिए 13.16% का एब्सोल्यूट है, एक साल में 14.40% का, तीन साल में देखिए 73.07% का, पाँच साल में पैसा डबल हो गया और 10 साल में पैसा 323%, 10 साल में 323% का रिटर्न है। तो जो लोग फिक्स डिपॉजिट, पोस्ट ऑफिस की सेविंग स्कीम वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं तो एटलीस्ट आज उनको पता चल गया होगा कि भाई साहब FD, LIC की किसी भी पॉलिसी, ठीक है, या इंश्योरेंस, तो उन सब चीज़ों से अच्छा रिटर्न म्यूचुअल फंड के अंदर आपको देखने को मिलता है। पर कब मिलेगा? लॉन्ग टर्म में, जब आप पेशेंस के साथ अपनी SIP के साथ कंसिस्टेंसी मेंटेन करेंगे और जब मार्केट गिरता है तो उस अपॉर्चुनिटी को आप भुनाएंगे तब आपको लॉन्ग टर्म में एक अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। रिस्क म्यूचुअल फंड के अंदर, जैसा कि मैंने ऊपर चार्ट पे भी आपको दिखाया था कि रिस्क म्यूचुअल फंड के अंदर आपका वेरी रहता है, चाहे आपके पास स्मॉल कैप हो, मिड कैप हो, हाइब्रिड फंड हो, फ्लेक्सी कैप हो, लार्ज कैप हो, कॉन्ट्रा फंड हो, फोकस्ड फंड हो, लार्ज एंड मिड कैप का कॉम्बो हो, टैक्सेबल फंड हो, किसी भी तरीके का आपके पास अगर म्यूचुअल फंड है तो आपका रिस्क वेरी हाई रहेगा। वेरी हाई देखिए कब नहीं रहेगा, सिंपल है, अगर आपके पास फिक्स्ड इनकम स्कीम के अंदर पैसा रहेगा तो आपका रिस्क कम कर दिया जाएगा, अदरवाइज रिस्क आपका वेरी हाई ही रहने वाला है। कोटक ब्लू चिप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की बात करेंगे, 6,511 करोड़ का इनका असेट साइज है। तो जिस म्यूचुअल फंड की अभी मैंने 3-4 मिनट से चर्चा कर रहा हूँ, इसका नाम है कोटक ब्लू चिप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, 6,511 करोड़ का इनका असेट साइज है। तो कोटक असेट मैनेजमेंट कंपनी की एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी और बहुत प्यारी लगती है, प्यारी ये है कि इसका एक्सपेंस रेशियो हमेशा कंट्रोल में रहता है 0.59% का। इसी वजह से मुझे कहीं ना कहीं HDFC का असेट मैनेजमेंट कंपनी हो, चाहे ICICI प्रूडेंशियल का असेट मैनेजमेंट कंपनी हो, उनसे लाख गुना बेटर मुझे कोटक असेट मैनेजमेंट कंपनी लगती है।
0.59% का ये एक्सपेंस रेशियो आपसे चार्ज करके चल रहे हैं, 2.58% का कैश होल्ड करके चल रहे हैं। निफ्टी 100 TRI को ये बेंचमार्क की तरह फॉलो करते हैं, प्लान आपका ग्रोथ है। 365 दिन के अंदर निकलने की कोशिश करेंगे, 10% से ज़्यादा के अगर आप यूनिट बेच देंगे तब आपसे 1% का एग्जिट लोड पड़ जाएगा। बात करेंगे किन किन सेक्टर्स के अंदर आपका पैसा पड़ा रहेगा, तो फाइनेंशियल, टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल, कंज्यूमर स्टेपल्स, एनर्जी, कंस्ट्रक्शन, हेल्थ केयर, मटेरियल सर्विसेज, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, मेटल्स एंड माइनिंग, कम्युनिकेशन, केमिकल, इंश्योरेंस और कैपिटल गुड्स जैसे दिग्गज आपके अंदर सेक्टर्स हैं। इसके साथ साथ जिन शेयर्स का है तो शुरुआत यहाँ से भी HDFC बैंक से ही हो रही है। HDFC बैंक, ICICI बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, इन्फोसिस लिमिटेड, L&T, ITC, एक्सिस बैंक, मारुति सुजुकी, TCS, महिंद्रा एंड महिंद्रा, अल्ट्राटेक सीमेंट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय एयरटेल, परसिस्टेंट सिस्टम्स, सन फार्मास्यूटिकल, बजाज फाइनेंस, हिंदुस्तान यूनिलीवर, भारत फोर्ज, कोटक महिंद्रा बैंक, टाइटन कंपनी, डॉक्टर रेडीज लैब, गोदरेज कंज्यूमर, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज, इंटर ग्लोब एविएशन, टेक महिंद्रा, कोरोमंडल इंटरनेशनल, कडिला हेल्थ केयर, यूनाइटेड स्पिरिट, बॉश लिमिटेड, ISR मोटर्स, कंटेनर कॉरपोरेशन, टाटा स्टील, अपोलो टायर, भारत पेट्रोलियम, यूनाइटेड ब्रेवरेज, LTI माइंट्री, इंद्रप्रस्थ गैस, IGL के नाम से आप इसे जानते हो। अक्सर अगर आपके पास CNG वाली कार है तो डेफिनेटली आपके काफ़ी सारे पेट्रोल पंप अगर जाएंगे तो पेट्रोल पंप आपका किसका है इस पर नज़र रखा करें कि नायरा का है कि रिलायंस का है कि ऑयल कि आपके पास जो पेट्रोल पंप है कि IGL का है कि MGL का है, तो इस चीज़ को ध्यान दिया करो। ठीक है, आज के बाद से ध्यान देना जब भी आप CNG भरवाने जाएँ। वी गार्ड इंडस्ट्रीज, HDFC लाइफ इंश्योरेंस, SCL टेक्नोलॉजी, गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड, सोलार इंडस्ट्रीज, शॉफलर इंडिया, संवर्धन मदरसम इंटरनेशनल, निफ्टी 50 इंडेक्स के अंदर भी पैसा है, यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा, ओबरॉय रियल्टी, SBI कार्ड, श्री सीमेंट जैसे कुछ शेयर्स है जहाँ पर आपका पैसा पड़ा हुआ है। कोटक असेट मैनेजमेंट कंपनी की बात करेंगे तो 3,32,089 करोड़ का इनका असेट अंडर मैनेजमेंट है और टोटल 147 स्कीम के साथ ये आते हैं। एज़ कम्पेयर टू ICICI और HDFC असेट मैनेजमेंट कंपनी ये स्कीम भी कम लेके चलते हैं। मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। हर हर महादेव, आयप्पा शरणम, हरी शरणम, बहुत बहुत धन्यवाद।